देखिए अगला क्वेश्चन है, एक 500 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है जिसमें 15 सेमी भुजा का समबाहुभुज बनाया गया है, तो समबाहुभुज की भुजा की प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। ये क्वेश्चन देख के मैंने समझ लिया कि इसमें आंसर में लिखने वाले ने कुछ त्रुटि कर दी, अभी चेक करता हूँ। देखिए 500 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त मैंने वृत्त बना लिया, उसके अंदर एक समबाहुभुज, सम माने बराबर, भुज माने भुजाएं, इसकी सारी भुजाएं बराबर हों और भुजाएं कितनी 15, तो मैंने भुजाएं बना ली, कोई एडजस्ट कर दिए, 15 भुजा हमारी याद कर दी। अब हमने कोई सी एक भुजा ले ली, ए भी ले ली, इसे हमने केंद्र से मिला दिया ओ, तो देखो ए ओ भी क्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या, इसका मतलब ए ओ बराबर ओ भी बराबर आ, ये कितना दिया हुआ 500 सेंटीमीटर है 5 मीटर, तो इसकी दो भुजाएं बराबर है त्रिभुज की, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज को हमने क्या किया, एक ओसी एक लंब खींचा, और समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी होती है कि शीर्ष से डाला गया लंब आधार को समान दो भागों में बांटता है। फिर सुनिए, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज में ये प्रॉपर्टी होती है, कुल के शीर्ष से अगर आधार पर लंब खींचा जाता है तो उस आधार को समान दो भागों में बांट देता है, इसका मतलब ए सी बराबर बी सी, तो ए सी जाते हैं। अब देखिए ट्रायंगल ए ओ सी ये कैसा समकोण त्रिभुज है, क्योंकि लंब खींचा, हम इसका कोण ज्ञात हुए तो ये भुजा ज्ञात कर लेंगे। अब कोण ज्ञात करने का क्या सूत्र है, समबाहुभुज का अंतःकोण थीटा इक्वल क्या होता है 2n-4 (90) अपॉन ए, ये सूत्र होता है अंतःकोण ज्ञात करने का। एन कितना है 15, एन बराबर 15, तो 15 × 30 में तो 4 गए, (90) का मल्टीप्लाई कर दिया अपन 15 का भाग दे दिया, 15 × 6 = 90, 30 में तो 4 गए, ये कितना बचा 26, तो 26 × 6 बराबर है 156। ये जो हमारा समबाहुभुज का ये अंतःकोण है वो 156 अंत का होगा, और ये आधा ही होता तो ये कितने का रह गया 78 अंत का, 78 कितने का रह गया 78। अब कर्ण दिया हुआ, ये कोण दिया हुआ, आधार ज्ञात करना है, तो कॉस वाला सूत्र लगा के कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे, आधार बटे कर्ण, तो कॉस कितना है 78 बराबर।